है चांद क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें एक रा लगता है चांद क्यों छोडो भी ये जरा बात दिल की कोई कह दो ना हे शोना हे सोना सबसे पहले कमेंट करो कि मैं कैसी लग रही हूँ बिकॉज बहुत सुंदर लुक हुआ है एंड आई एम सुपर दुपर एक्साइटेड ये वाला लुक शेयर करने के लिए लाइक like, मैंने इतने दिल से ये वाला लुक क्रिएट किया है कस्टम से आई एम मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हल्का सा मुझे रोना आ रहा है बट मैं नहीं रूँगी <laughs> नहीं रोते हैं हम लोग बात करते हैं ओके okay. सोना गाइज हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला लुक ये ना थोड़ा सा मैंने बॉलीवुड स्टाइल का क्रिएट करने की कोशिश की है ये वाली जो हेयर स्टाइल है ना ट्रेंडी चल रही है मैंने इसको शॉर्ट्स में देखा वो लाइक एलोवेरा जेल लगा वगा के नहीं वो उन्होंने बन बनाया क्लीन गर्ल बन वाला या या नाम याद आया वैसा मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है बहुत सुंदर जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना यू कैन सी कितना सुंदर बिल्कुल केकी लुक नहीं है ये मत बोलना पास से दिखा रही हूँ यू कैन सी बिल्कुल मतलब देखो मतलब बिल्कुल एच डी लुक लग रहा है सच में ओ माई गॉड मैं सीख गई लुक करना मतलब एंड बहुत सुंदर लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है मैं मानती हूँ डिफिकल्ट है बट उतना नहीं है आप देखोगे लुक आपको बिल्कुल इजी लगेगा बहुत मेरे लिए बहुत इजी लुक था बहुत हाँ टाइम लगेगा बट बहुत इजी था मतलब ट्रस्ट बहुत अच्छा लुक लग रहा है आप वीडियो को बिना स्किप करें देखना सो so, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया ना देखना वहां बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी डालती हूँ मुझे नहीं होती ब्लैक कर्टन वाली मैं वो भी रील्स वगैरह डालती हूँ तो मैं अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और खुशी ज्ञान चंदी सर्च करना आ जाएगा ओके इफ यू लाइक माई कंटेंट सो ओ माई गॉड ओके एनी ये सब होता रहता है इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज जो सब्सक्राइब माई चैनल अभी के अभी करो जाओ ऐसे लुक्स के लिए ना विदाउट एनी एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्ट ओके सो मेकअप पर फोकस करने के लिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है आप लोग हमेशा पूछते हो कि वॉइस ओवर क्यों करते हो तो मैं इसीलिए करती हूँ मैं लगा रही हूँ टोनर टोनर जरूर लगाया करो आपके जितने पोर्ट्स होते हैं ना मिनिमाइज हो जाते हैं और इसको हम लोग स्किन के आगे टाइम लगाते हैं एंड इस टोनर की खुशबू ना बिल्कुल रोज़ वाटर के तरह थी तो मतलब बहुत लाइक अच्छी वाली फ्रेगरेंस थी तो मेरे को पसंद आता है वाला टोनर लॉरियल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ रीवाइटलिफ्ट लिफ्ट वाली ये मेरे पास छोटी पैकेजिंग है बट काफ़ी पसंद आती है मुझे इस टेक वर्गे का प्राइमर ऑयल लगा रही हूँ ताकि मेरा बेस ग्लोई अच्छा सा और ब्लेंड इसको लगाने के बाद मेरा फेस काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और ये ना पोर्स को भी लाइक फिल करता है पर थोड़ा सा कलर करेक्शन के लिए मैंने ये ऑरेंज वाला प्राइमर लगाया ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का टिंट दे देता है काफ़ी अच्छा लगता है और ब्लर भी कर देता है फेस प्राइमर लगाने से हमारा फेस लंबे लंबे समय तक मेकअप टिका रहता है हमारे फेस में, तक में ये पर्पल और मेबलिन का फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मेबलिन का शेड था आइवरी क्या था या आइवरी और पर्पल का शेड था कॉम्बरेट कॉम्ब्रेट ऐसा करके शेड था या सो so, दोनों को मिक्स किया एंड अपना एक परफेक्ट शेड बनाने की कोशिश की बिकॉज आज तक मैं अपना एक परफेक्ट शेड नहीं जान पाई हूँ यू कैन सी इसकी काफ़ी अच्छी कवरेज है ऑल्सो हम अपने नेक में भी लगाएंगे ताकि नेक और फेस अलग अलग ना लगे पर्पल की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ इसमें आपको दो शेड्स मिल जाएंगे हम लोग बीच से स्टार्ट करेंगे फिल करना एट देंद अपनी लाइंस को करेंगे लाइक ड्रॉ करेंगे उसके बाद मैं मे वाला फाउंडेशन लेके अपनी जो भी आईब्रोज है ना उसको नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए एडजस्ट क्लीन कर रही हूँ ये वाला लुक आप वेडिंग गेस्ट एंड न्यूली uh, वेड अगर आप न्यूली uh, शादी हुई है अगर आपकी ब्राइड हो न्यूली तो आप ऑफकोर्स इसको ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली ये सूट करेगा आपको बहुत अच्छा लुक है ये वाला ईजी भी है केप का वनीला कॉम्पैक्ट इसमें मेरा शेड है वनीला उसको अच्छे से मैं ले कर सेट करूँगी तो जैसे कि आपने देखा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से पहले uh, ब्लेंड किया बिकॉज़ आइज़ के ऊपर क्रीज हो जाता है तो जब भी आप करो सेट पहले आप अपनी आइज़ को आ, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करो अच्छे से मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ यू कैन आपने देखा अभी कि मैंने कैसे किया ये भी एक टेक्निक है अगर आपको नहीं आता कॉन्ट्रोल करना तो आप ऐसे कर सकते हो फिर मैं मैंने ले मैंने कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से नीचे से क्लीन किया ताकि फेस में कट दिखे अच्छे से ओके केबले का ये मैं रेस्प भरी वाला ले रही हूँ ब्लश ये ब्लश ना काफ़ी अच्छा है इसमें मेरे पास तीन शेड्स हैं ये ब्लश ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है फिर मैं अच्छे से एक बार फिक्सर से फिक्स कर रही हूँ और आपने देखा मैंने पहले भी फिक्स किया था जब मैं ब्लेंड कर रही थी अपना फाउंडेशन इससे आपका बेस क्या होगा ना लंबे समय तक टिका रहेगा जैसे समर्स भी हैं तो अच्छे से लंबे समय तक टिका रहेगा आपके फेस में रहने का ये आई शेड जो पहले लिया इसमें से एकदम न्यूज शेड लेके उसको अच्छे से मैं अपनी आइज़ में ब्लेंड करती जाऊँगी थोड़ा सा टिंट आ गया यू कैन सी उसके बाद मैं पर्पल शेड लूँगी एंटर ऑफ द लेट सॉरी कॉर्नर कॉर्नर में लिट के एकदम कॉर्नर में प्लेस करके और अपनी क्रीज लाइन में मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड करूँगी यू कैन सी आप देख रहे हो ना ऐसे एंड कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा था उसके बाद मैंने एक फ्लैट फ्लैट ब्रश लिया फिर मैं एक सिल्वर और गोल्डन का कॉम्बिनेशन वाला एक जिसमें शेड था यू कैन सी इतना पिगमेंटेड था क्योंकि मैंने और अदर आई शेडो पैलेट्स देखे हैं वो ना मतलब वो कैसे होते हैं like, लाइक अगर मैं उसको ब्रश में लेती हूँ फिर वो पिगमेंटेशन नहीं देते बट इसने दिया ये बहुत अच्छे रहने की पैलेट है ओके uh, okay, फिर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ जैसे मैंने अपना चीक्स को क्लीन किया था ना वैसे ही मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा लुक एकदम क्लीन लगे पर्पल का ये पेंसिल वाला आई है और इसको मैं एज ए काजल लगाती हूँ मैंने इससे आज तक आई नहीं लगाया है बट आप इसको एज ए काजल लगा सकते हो पर्पल का जेल आई है ये काफ़ी अच्छा है काफ़ी टाइम से रखा है अभी तक बिल्कुल सूखा नहीं है और कोई होते तो अभी तक सूख चुके होते हैं गाइज आई लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ा सा वहाँ देख कर के लगा रही थी इन यू कैन सी मैंने थोड़ा सा ऐसा लगाया धीरे धीरे वो ठीक होता जाता है आप सबके आप सबको ये पता ही होगा कि आई हम जैसा भी सोचे कि भाई हम पतला लगाएंगे बट एट दैन वो हो ही जाता है यू कैन सी आई लुक कितना अच्छा लग रहा है आ, ये था कौन सा पे ये क्या है मस्कारा है मस्कारा आप इस ट्रिक से भी लगा सकते हो अगर आपको नहीं आता है भाई लगाने तो फिर मैंने अपनी पलके लगा ली एंड uh, अच्छे से वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर था मुझे एकदम ग्लोई लुक चाहिए था एकदम सो so, इसका शेड मुझे काफ़ी पसंद है बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी उसके बाद हेयर स्टाइल आती है ये हेयर स्टाइल गाइस ट्रेंडी चल रही है आगे से हमने ऐसा किया ये है क्लीन गर्ल हेयर स्टाइल है क्लीन गर्ल ये ना मैंने क्लीन गर्ल बर्न है ये और ये मैंने शॉर्ट्स में देखा कि ये वायरल था सो मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की अच्छे से हम लोग ऐसे करके एक पोनीटेल बना लेंगे ऐसे जो आगे के बाल मैंने छोड़े हैं ना उसको मैं हटाऊंगी क्लिप एंड एलोवेरा जेल कोई भी हो आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेके आप अपने बालों में लगाना या और अपने लगा लेना जहाँ जहाँ पे भी आपको उड़े उड़े बाल लग रहे हैं इससे ना बिल्कुल क्लीन हेयर स्टाइल बनेगी एंड उसके बाद आप बीच की पार्टीशन से साइड की पार्टीशन से जैसे करना हो आप ऐसे कर लेना यू कैन सी बना लिया मैंने अपनी साड़ी भी चेंज कर दी ये मैं बहुत खुश थी सबसे पहले कमेंट करके बताओ मेरे को अभी कि कैसी लग रही है साड़ी और मैं भी साइड में मैंने ये वाली थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मतलब ये मीशो का ये नेकलेस है मैंने मंगाया था बट अच्छा है इसका गले का काफ़ी अच्छा था एंड इयर रिंग ईयरिंग काफ़ी छोटी आई थी बट अच्छी लग रही थी मतलब प्यारा था नेकलेस अच्छा लग रहा था तो मैंने रखा था ब्लैक कलर की मैं बेंगल्स डाल रही हूँ चूड़ियाँ हैं ब्लैक कलर की और या अच्छा कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये जो मैंने रिंग डाली ना तो जो चूड़ियों वाली डाली ये तो पहले की है और जो अभी यहाँ पे डाली एक मेरी गोल्ड की है और एक मेरी नेकलेस की है रहने की मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ ये मुझे रहने रहने ने सेंड की थी काफ़ी अच्छी है इसको मैं लगाऊंगी पूरे लिप्स में और काफ़ी अच्छी लग रही थी गाइज लुक बताओ कैसा हुआ है और कैसा लग रहा था मतलब आप मेरे को कमेंट करो थोड़ा सा बाहर आ गई थी ना लिपस्टिक तो मैंने उसको क्लीन किया आप ऐसे कर सकते हो क्लीन ओके वॉच पहन रही हूँ और ये लुक कंप्लीट हो गया प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा हुआ है बहुत दिल से किया है ओके गाइज़ मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय